हाथस में पीएमसीएम की योजनाओं को स्वास्थ्य विभाग ने लगाया पलीता। सड़क पर दिया नवजात शिशु को जन्म, गर्भवती महिला को खून की कमी कहकर कर दिया था वापस। हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर उड़ी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की धज्जियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सड़क किनारे महिला ने एक नवजात को जन्म दे दिया। पीड़ित महिला के साथ आए उसके देवर साहब सिंह ने बताया कि वह सादाबाद के गांव तसिंगा का रहने वाला है। उसकी भाभी को जब अधिक दर्द हुआ तो वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे खून की कमी की बात कहकर वापस कर दिया। जब पीड़ित महिला अस्पताल से बाहर निकली थी कि उसे दर्द सहन नहीं हुआ और वह सड़क पर ही बैठ गई, तभी सड़क पर जाने वाली कुछ महिलाओं ने उसकी मदद करते हुए पर्दा किया, जिसमें नवजात बच्चे का जन्म हुआ। ये शर्मसार करने की घटना भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर हुई। जब नवजात शिशु ने जन्म ले लिया तो आनंद फानंद में पीड़ित महिला को स्ट्रेचर की सहायता से अस्पताल ले जाया गया। अभी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और प्रमाण है। क्या नाम है आपका? साहब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? तसिंगा के। तसिंगा के। हाँ। किस लिए आए थे हॉस्पिटल में? अपनी भाभी को दिखाने आए थे, बच्चा पैदा से। हाँ। दर्द चल रहे थे, उन्होंने नहीं कर दी। तो बच्चे का जन्म तो सड़क पे हुआ है? सड़क पे हुआ है। हॉस्पिटल में क्या कहा आपसे? हमसे मना कर दिया। मना कर दिया? कैसे मना किया? कैसा, यहाँ तो बच्चा होगा नहीं, खून की जरूरत है। अच्छा, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जा सकते हो। फिर कहाँ हुआ बच्चा? रोड पे हुआ था। अस्पताल के बाहर? हॉस्पिटल के बाहर हुआ था, मेन रोड पे। गेट के सामने हुआ है। तो अभी भर्ती किया है? अब भर्ती दोबारा से इन्होंने, हमने कोशिश करवाई है। बच्चा जब सड़क पे जन्म हो गया है। हाँ। उसके बाद में भर्ती हुआ है। हाँ। महिला ठीक कहा है इंसानों ने जब